नमस्कार सारा दर्शक मित्रों ग्रोथ मोड एजुकेशन के यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज एक और महत्वपूर्ण उपाख्यान देखना है जैसे आपको मालूम है कि हमारी यह जो जर्नी है जो एग्जामिनेशन जर्नी है जो प्रिपरेशन की जर्नी है उनके तहत इन महत्वपूर्ण कानूनों का सर्वोच्च अदालत के महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं कुछ चुनिंदा फैसलों का बहुत ही महत्व होता है परीक्षा में तो यहाँ हम एक परीक्षा लक्षी विश्लेषण आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं जैसे इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के तहत विशेष श्रृंखला के तहत आज सतासीवा लेक्चर है जो कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की बात करता है यानी कि जो वायु प्रदूषण है जो वायु प्रदूषक है उनकी बात करता है और उन्हें हमारे सामने जो है एक प्रकार से एलाबोरेट करता है पूरा मैकेनिज्म इन चीज़ों को जो है कम करने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषकों को कम करने के लिए यहाँ एक पूरा मैकेनिज्म यह लागू जो है किया जाता है साथ ही जैसे अपने अगर पूर्वा का जो उपाख्यान है अगर आपने देखा है तो उसमें द वॉटर ठीक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट की हमने बात की थी जो कि इस एक्ट का प्रीकर्सर था और दोनों ही कानून अपने आप में जो एनवायरमेंट एक्ट है उनमें से निकले एनवायरमेंट एक्ट के तहत दोनों ही क्षेत्र के प्रदूषणों को रोकने के लिए अलग अलग समर्पित कानूनों को बनाया गया जो हमने 86 में वाटर के बारे में देखा था सेम मैकेनिज्म यहाँ इस एयर के बारे में है यार पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के बारे में है ठीक है जो मेकेनिज्म वाटर पोल्यूशन में सेटअप किया था वही सेम मकेनिज्म के साथ यहाँ एयर पोल्यूशन को भी कम करने की बात की गई है याद हमें ये रखना है कि एनवायरमेंटल एक्ट में से दो निकला मगर पहला निकला वाटर एंड दूसरा जो है वो एयर निकला वाटर यहाँ सेवेंटी फोर के जो है साल के आजू बाजू लागू हो गया था वहीं जो एयर पोल्यूशन है वो नाइनटीन एटी वन में लागू हुआ एयर पोल्यूशन जो है एक्ट है या उसे एयर एक्ट कहते हैं संक्षित्त में इसे एयर एंड वाटर एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं साथ ही जैसे आपको मालूम है आज़ादी का पचहत्तरवा वर्ष चल रहा है तो यह सारी श्रृंखला यह सारा अध्ययन हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं प्लस यह पूरी सीरीज इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है ठीक है बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है सिविल सर्वेंट्स सिविल सर्वेंट्स आई मीन एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण तो है क्योंकि चीजों को यहाँ अलग अलग जो है सोर्सेज से कंपाइल करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है फिर जीएस पेपर थ्री के साथ ही यह मुद्दा जुड़ा है एंड जैसे अगर आपने यह सीरीज देखी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस पुस्तिका के बारह भाग है जिनमें से हमने दस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है ग्यारहवा भाग चल रहा है जो कि एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करता है ठीक है फिलहाल हमने इस उनमें काफ़ी सारे इस जो है भाग के अंतर्गत कानून देखे जिनमें वन अधिनियम है फिर हमने देखा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ठीक है फिर एनवायरमेंट एक्ट देखा वाटर एक्ट देखा आज एयर एक्ट हम लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में हमें एनजीटी के बारे में देखना है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि एक अपने आप में भारत की एक समर्पित जुडिशरी है जो मात्र और मात्र पर्यावरण संबंधी मामलों के साथ प्रदूषण के साथ जो मामले जुड़े होते हैं संबंधित होते हैं जो है उनका फैसला करती है ठीक है तो उनके बारे में हमें समझना है बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखनी है 2002 की फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज को भारतीय सरकार के द्वारा संरक्षण मिला हुआ है भारतीय सरकार के द्वारा यानी कि एक कानून के द्वारा ठीक है तो अपने आप में यहाँ इन कानूनों का अध्ययन हम इस ग्यारहवें भाग में करेंगे फिर अंत में लॉ एंड ऑर्डर के जो भाग है वो शुरू होंगे जिनके तहत तो तो हमें सारे कानून हमें देखने हैं भारत के आई हो सी हो सी हो ठीक है एविडेंस एक्ट हो वो सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम लोग यहाँ देखते चलेंगे अब मूल बात तो शुरू करेंगे और जैसे आपको मालूम है कि एक मॉडल सॉपरिटी सेट है जिनके तहत तो, तो परिचय से लेकर किसी भी कानून के परिचय से लेकर इसकी पृष्ठभूमि उसके उद्देश्य प्रमुख प्रावधान कोई संशोधन हो तो वो और अंततः तो हम इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी सेम मॉडर्स ऑपरेंडी से हम लोग बात करेंगे मगर उससे पहले आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ ग्रोथ माउंट एजुकेशन के साथ आज ही जुड़िए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहाँ आपको इनफाइनाइट एग्जामिनेशन रिलेटेड रिसोर्स मिलेंगे डायरेक्शंस मिलेंगे साथ ही इस माध्यम जिसके तले हम लोग बात कर रहे हैं जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से आई I मीन mean, तो यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म को भी आप प्रमोट करने में हमारी मदद कर सकते हो हमें सहायक बन सकते हो वही हमारा जो है सच्चा मोटिवेशन रहेगा तो आप हमारी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और फॉलो जो है कीजिए साथ ही हमारे वीडियोज़ को देखिए और प्रबुद्ध होइए प्लस इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप हमारी अपडेटों के साथ जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं यानी कि जो यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो चीज़ें जिन चीज़ों की चर्चा होती है वो वहाँ पहले से जो है आपको वहाँ से वाकिफ किया जाएगा तो आप वहाँ दोनों प्लेटफॉर्म दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अब शुरू करेंगे मूल बात इंट्रोडक्शन से देखना है माइंड मैप की मदद से देखना है बिंदुओं में चीज़ों को देखेंगे जिनमें सबसे प्रथम कहा गया है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन एटी वन वॉज द ब्रेक थ्रू इन इंडिया एट दैट टाइम एड वॉज फॉरथ टू मेंटेन द पोल्यूशन स्टैंडर्ड इन एटमोसफियर ये तो इट वॉज अ ब्रेक थ्रू इन इंडिया क्योंकि तब समय की मांग थी और यह कानून ऐसा लाना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि देखिए जब से हम आज़ाद हुए तो फिर कुछ साल तो चले गए ऐसे ही क्योंकि देर वॉज अ क्लोज इकोनॉमी देर वॉज अ लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी मगर एक बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए ठीक है या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से पहले भी जब धीरे धीरे फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगा तो उसके हिसाब से धीरे धीरे जो भारत का जो वातावरण है जो वायु है वो प्रदूषित तो होने लगी वो बिगड़ने लगा पोल्यूशन स्टैंडर्ड इन इन द एटमोस्फियर यस तो इसलिए यह कानून उस समय की बहुत ही अहम मांग थी और जो है मांग ये थी कि तब जो वायु की जो गुणवत्ता है जो उसकी क्वालिटी है उसे सुधारी जाए उसमें से जो प्रदूषक है उन्हें हटाया जाए या प्रदूषकों को कम किया जाए उनका उत्सर्जन कम हो ठीक है तो उनके लिए कुछ नियंत्रण लाने जरूरी था कुछ मैकेनिज्म बनाना जरूरी था कुछ ऐसी सरकारी इकाइयाँ बनानी जरूरी थी जैसे हम लोग हम लोगों ने देखा वाटर एक्ट में कि कैसे वाटर पोल्यूशन को आ, जो है कम करने के लिए वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए वाटर पोल्यूशन बोर्ड्स की स्थापना की गई एट सेंटर एंड स्टेट लेवल ठीक है तो ऐसा मैकेनिज्म की भी बात यहाँ इस कानून ने की है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है एक्ट अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया यानी कि उसका जुडिस्टिक्शन जो है वो

आगे देखे तो एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग परमिशन टू इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइडिंग एमिशन स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द यस तो यहां ये इसका एक मुख्य कार्य है क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे है जिनके तहत इंडस्ट्रीज को कुछ हद तक कुछ हद तक पॉलिटन को आप कह सकते हो कि वातावरण में Uh, जो है एमिशंस uh, कर सकते हैं बट दे नीड टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट विच आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट वाई नोटिफिकेशन ठीक है तो ये बातें यहाँ हमें ध्यान में रखनी है ग्रांटिंग परमिशन टू इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइडिंग एमिशन स्टैंडर्ड यस इंडस्ट्रीज को एक प्रकार से पहले तो परवाना देना उनको परमिशन देना फिर एक स्टैंडर्ड्स की सूची घोषित करना उनके तले uh, जो है उनको एमिशंस के राइट्स जो है वो मिलेंगे मगर अगर स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं हो रहे हैं दोनों की क्वालिटी मैच नहीं हो रही है तो इन दैट केस दे विल बी लायबल और वो एक गुना होगा इस कानून के तहत फिर उसके पश्चात के बिंदु में देखा गया है कि ऑल्सो इन द इवेंट ऑफ ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट बोर्ड क्वासी जुडिशियल पावर्स टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन द ऑफेंडर क्वासी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक ये जो बोर्ड्स है उनकी दोनों किस्म की सत्ता है एक सत्ता उनकी इंप्लीमेंटेशन की है इस कानून के उद्देश्यों को और एक सत्ता है इसकी जो समस्याएं है जो कॉन्फ्लिक्ट उनका समाधान करवाने की है तो यहां पर तो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो लगी हुई है इंक्लूडिंग वेरियस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एट सेंटर स्टेट एंड रीजनल लेवल्स मगर यहाँ एक उनका फंक्शन है कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना कंफ्यूजन को दूर करना ठीक है तो उन्हें अर्ध न्यायिक सत्ता भी प्राप्त है तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो वायु संबंधी जो कोई आ, मामले है जो कोई डिस्प्यूट्स है वे यहाँ इस बोर्ड के द्वारा भी उसके ऊपर फैसला किया जा सकता है फिर अपील का जो है प्रावधान होता है अपील की व्यवस्था होती है मगर यहाँ इनके द्वारा एक बार इनके द्वारा एक बार फैसला करने का आ, आ, जो है ये फैसला करने के लिए सक्षम है दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन बिकॉज दे आर एक्चुअली क्वासी जुडिशियल मशीनरीज या यूनिट्स ठीक है तो कुल मिलाकर ये इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात थी अब बैकग्राउंड देखना है तीन बिंदु फिर से माइंड मैप की मदद से देखना है जिनमें सबसे सब प्रथम कहता है कि नाइनटीन यूनाइटेड नेशन जनरल Assembly डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन environment एट Stockholm upon अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ स्वीडन स्वीडन में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अनुशंसा मिली कि भाई अब धीरे धीरे वैश्विक जो मानव पर्यावरण है जो मानव के लिए जरूरी है मानव के साथ जो जीव और और जीव जो साथ में रहते हैं उन सब के लिए जो एक जरूरी एक आवश्यक पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है एंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो अब इसे सुधार करने के लिए या इसको सुधारने के लिए या मानव की आर्थिक नीति में सुधार करने के लिए एक मीटिंग अब आवश्यक है वैश्विक जो है पटेल ने यह तय किया एंड इट वॉज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वीडन क्योंकि स्वीडन में जो सभा हुई थी जो असेंबली हुई थी उसके तहत यह चर्चा हुई थी तो ऑन दैट बेजिज इन नाइनटीन सेवेंटी टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू कंडक्ट ए मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट ठीक है तो इसलिए

प्रदूषण को कम uh, uh, करने के लिए साथ ही जो कुदरती संसाधन है जो नेचुरल रिसोर्सेस है विच आर बेस्टोड ठीक है जो हमें मिले हैं जो हमें परमात्मा से प्राप्त है उनका भी हम रक्षण करें इंक्लूडिंग एयर तो यह प्रण के लिए यह रिजोल्यूशन के लिए भारत ने अपने देश में यह कानून लाया दरफोर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इंडिया द एयर एक्ट अंडर ल टू फिफ्टी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस तो इसलिए इट वॉज इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन इट वॉज द इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन ठीक है तो इसे परिपूर्ण करने के लिए भारत ने अपने यहाँ अपने संविधान के अनुच्छेद दिया अपने संविधान की धारा दो सौ तिरपन के तहत संसद ने यह कानून पारित किया ताकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया जा सके एवं नेचुरल रिसोर्स जो है इंक्लूडिंग एयर और वोटर कह लीजिए और एनी अदर थिंग कह लीजिए उनको भी बचाया जा सके उनको भी संरक्षित रखा जा सके ठीक है तो इन दो उद्देश्यों के साथ इन द्वि उद्देश्यों के साथ भारत ने यह कानून जो है वो पारित किया है ऐसा हम लोग कह सकते हैं यहाँ एक नोंद छिपी हुई है जो कहती है कि यूनाइटेड नेशन एनवोरमेंट प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ द स्टोकॉम कॉन्फ्रेंस यस स्वीडन की अनुशंसा से स्टोकॉम कॉन्फ्रेंस हुई नाइनटीन में और इसमें सारे सभी राष्ट्रों ने तो तय किया ही किया कि अपने देश में वे अपनी तरीके से कदम उठाएंगे मगर एक इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म भी तैयार हुआ जो पूरे विश्व की सरकारों को मदद रूप हो पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने संबंधी जो योजनाएं हैं उनको कार्यान्वयन करने के लिए उनको कार्यान्वयन रखने के लिए एंड दैट वाज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम विच इज शोटली नोन एज यू ठीक है तो यह प्रोग्राम विश्वभर की जो सरकारें हैं उनको अपने आप में एक बढ़ावा देता है उनको उ, 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 उनके साथ एक सहायक जो है अभी नहीं करता है ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट संबंधी प्रोग्राम्स जो है वो चल सके एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा बचा सके कम से कम उनको नुकसान हो ठीक है तो एंड इट वॉज अ फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ स्टोकऑम कॉन्फ्रेंस तो ये प्रिलिमिन्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कहीं पर भी उपयोगी हो सकता है ठीक है तो ये बात रही है इसके बैकग्राउंड की अब देखिए आर्टिकल 253 का जिक्र हुआ कि भाई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन था बराबर तो इसको परिपूर्ण करने के लिए भारतीय संसद ने धारा दो का उपयोग किया अपने संविधान से भारत के संविधान से और एक कानून बना डाला तो हमें देखना पड़ेगा कि यह जो अनुच्छेद जो धारा है वो एग्जैक्टली exactly क्या कहती है वैसे तो मालूम होना चाहिए मगर यहाँ एक जिक्र आया है तो वी विल गो थ्रू इट पार्लियामेंट इज पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विध एनी अदर कंट्री और कंट्रीज और एनी डिसीजन मेड एट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन और अदर बॉडी यस ये दरअसल स्पष्ट रूप से कहती है कि भाई जो संसद है उसमें शक्तियां निहित है किसकी शक्तियां तो भाई कानून बनाने की कैसा कानून तो किसी भी प्रकार की जो है समझुती हो कोई भी संधि हो कोई भी एक राष्ट्र के साथ बहुराष्ट्रों के साथ या कोई भी ऐसा वैश्विक संगठन का जो है कोई प्रण हो कोई रिजोल्यूशन हो तो उसे परिपूर्ण करने के लिए संसद आवश्यक रूप से धारा दो का उपयोग करके कानून बना सकती है उसे लागू भी करवा सकती है तो यहां पार्लियामेंट ने वो किया ठीक है तो ये आर्टिकल 253 जो है इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लेजिस्लेशन इन केस ऑफ इंप्लीमेंटिंग एनी एग्रीमेंट कंट्री और कंट्रीज और एनी इंटरनेशनल एसोसिएशन अब हमें इसके उद्देश्यों को देखना है इस कानून के क्यों जिसके लिए इसको यहाँ पारित किया गया लागू भी भारत में किया गया तीन बिंदुओं में इसके उद्देश्य जो है वो यहाँ बटे हुए हैं जिनमें सबसे प्रथम है एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज इन इंडिया सो डिट द प्रॉब्लम ऑफ द एयर पॉल्यूशन स्पेशली इन डेवलप्ड सिटीज़ लाइक दिल्ली मुंबई कोलकाता एक्सेट्रा यस जैसे मैं मालूम है कि हम आज़ाद हुए तो वी आर इवेंचुअली ग्रेजुअली एक्चुअली वी वर ग्रोइंग ठीक है तो धीरे धीरे भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र से एक औद्योगिक राष्ट्र की ओर जा रहा था औद्योगिक राष्ट्र की दिशा में जा रहा था जिसकी जो जिसका परिणाम क्या आया कि औद्योगीकरण हुआ बहुत ही तेजी से औद्योगिकरण हुआ जिनकी बदौलत अर्बनाइजेशन भी हुआ और जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन के जो स्तर होते हैं जो लेवल्स है वो काफ़ी हाई हो गए ठीक है जो पहले भारत में नहीं देखे थे बिकॉज प्रायर टू इंडिपेंडेंस या आप कह लीजिए कि इन ब्रिटिश रूल ठीक है कंटेम्प्री टू ब्रिटिश रूल वी आर एक्चुअली नॉट इंडस्ट्रियलाइज और अगर इंडस्ट्रियलाइज जितने भी थे वो भी नॉन मिकनाइजड रूप से इंडस्ट्रियलाइज थे यानी कि उसमें किसी भी किस्म का फ्यूल जो है उपयोग में नहीं लिया जाता था कोई एमिशंस नहीं था दर वर हैंड जॉब्स तो यह सारी चीज़ों की वजह से भारत में पोल्यूशंस की जो मात्रा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ गई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भरपूर होने लगा स्पेसिफिकली uh, जो सिटीज यहाँ uh, हमें स्पेसिफाई की है इंक्लूडिंग दिल्ली मुंबई लखनऊ ये जो सारे इंडस्ट्रियल uh, कॉरिडोर है ठीक है वहाँ जबरदस्त रूप से औद्योगिकरण हुआ जबरदस्त रूप से पोल्यूशन जो है वो होने लगे तो सबसे प्रथम तो उनको यहाँ कम करने के लिए फिर द इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटन्स इज हम टू ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट लाइफ इंक्रीज द इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटन यानी कि वायु प्रदूषकों की, की मात्रा में इजाफा न केवल मानवी को मगर मानवियों के साथ प्राणी एवं वनस्पति को भी नुकसान करता है तो यह बात यहाँ एक नोंद लेनी है तीसरे बिंदु में Therefore, this act was created, और इसलिए इस कानून को बनाया गया तीन मुख्य उद्देश्य सबसे प्रथम प्रिवेंट कंट्रोल एंड एबेट एयर पोल्यूशन ठीक है प्रिवेंट करना है रोकना है नियंत्रित करना है और खत्म करना है बोर्ड्स दैट वुड एनशन पावर्स एंड फंक्शन ऐसे निगमों का गठन करना है ऐसी मशीनरीज ऐसे बोर्ड लाने हैं इनकी स्थापना करनी है जो मात्र और मात्र इस कानून के द्वारा जो प्रस्थापित उद्देश्य है उनको परिपूर्ण करने के लिए कार्यरत रहे उनको परिपूर्ण करने के लिए कार्य करें तो यहाँ कुल मिलाकर ऐसे उद्देश्यों के साथ इस पर्टिकुलर कानून को लाया गया था सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है अगर एक फॉर्म में हमें बोलना है इसका ऑब्जेक्टिव तो तीन चीजें जो मैंने आपको बताया प्रिवेंट कंट्रोल एंड एबेट एयर पोल्यूशन वाटर की बात करें तो उसमें भी प्रिवेंट कंट्रोल एंड अबेट वाटर पोल्यूशन ठीक है तो इस तरीके से यहाँ चीजें हुई है अब आगे देखें तो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हमें देखना है और जैसे हमें मालूम है कि आमतौर पे जो कानून होते हैं उनका जो प्रावधान होता है उनकी शुरुआत न्यायिक परिभाषा होती है परिभाषाओं से होती है आई एम सॉरी इट स्टार्ट्स जनरल स्टार्ट विथ लीगल डिफिनेशन तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है एयर पॉल्यूशन की हमें एक डेफिनेशन दी गई है फिर बाद में धीरे धीरे बोर्ड्स के गठन या जो है अपील और उससे संबंधी यहाँ सारे प्रावधान दिए गए हैं देखते हैं सबसे प्रथम बिंदु में एयर पोल्यूटेंट की बात की गई है तो एक्ट डिफाइन द वर्ड एयर पोल्यूटेंट यानी कि वायु प्रदूषक एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज इन द एटमोस्फियर एट सच लेवल्स विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एनिमल्स प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट यस क्या कहता है कि भाई वायु प्रदूषक एक ऐसा तत्व है जो कोई भी स्वरूप में हो सकता है या तो वो द्रव्य हो सकता है या तो वो कठोर यानी कि शरीर हो सकता है या तो वो वायु हो सकता है यानी कि गैस हो सकता है इट कैन ऑल्सो बी नॉइस ठीक है और इसका लेवल जो है वो जब बढ़ जाए जब ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स को यह हार्मुल होने लगे तो हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो है वो अब सिवियर लेवल्स पर है या उसके पोल्यूटेंट्स जो है वो सीवियर लेवल्स पर है एयर पोल्यूशन मीन द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉल्यूटेंट इन द एयर एयर पोल्यूशन का क्या मतलब कि इन प्रदूषकों का वातावरण में वायु में होना अपने आप में वायु प्रदूषण है जो प्रदूषक है उनका वातावरण में वायु में होना वही अपने आप में वायु प्रदूषण है जितनी प्रदूषकों की मात्रा ज्यादा उतना प्रदूषण का प्रमाण जो है वो भी ज्यादा ठीक है दर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन Uh, between the वॉल्यूम ऑफ pollutants प्रेजेंट इन the एयर एंड लेवल ऑफ एयर pollution ठीक है दर is a पॉजिटिव कोरिलेशन तो ये बात हमें यहाँ नोंद लेनी है ये बात रही न्यायिक परिभाषा की दूसरे बिंदु पर सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स कंट्रोल बोर्ड्स की बात की गई है केंद्रीय स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगमों की स्थापना सेक्शन थ्री एंड फोर प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स रिस्पेक्टिवली यानी कि सेक्शन थ्री में सेंट्रल जो है कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड की बात की गई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आई एम सॉरी और यहाँ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की गई है सेक्शन फोर में द बोर्ड्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर विच है प पॉर टू एक्ट एज कंट्रोल बोर्ड्स फॉर दिस एक्ट एज वेल जैसे मैंने आपको बताया कि सेम मैकेनिज्म काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ अधिकांश दोनों कानून जो है वो सिमिलर है मात्र और मात्र उसमें डिफरेंस इतना है कि जो फॉर्मर एक्ट है जो इससे पूर्व का है वो वायु जो है जल प्रदूषण की बात करता है आई एम सॉरी वाटर पॉल्यूषण की बात करता है वहीं यहाँ इस कानून के द्वारा वायु प्रदूषण की बात की गई है अन्यथा बातें जो है वो सेम है मैकेनिज्म सेम है पावर्स जो है वो भी सेम दिए गए हैं पूरी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर जो है वो भी सेम ही सेम है तो यहाँ कहा गया है कि जो वाटर बोर्ड्स बने थे वॉटर एक्ट नाइनटीन जिसे हमें मालूम है कि सात वर्ष पूर्व था तो वही वाटर कंट्रोल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने आप में एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्य करेंगे ठीक है यह बात यहां इस कानून में लिखित है एज द वॉटर एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू ऑल द स्टेट वेर द स्टेट बोर्ड आर नॉट प्रेजेंट सच बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर provision ऑफ दिस एक्ट अंडर सेक्शन फाइव The act also provides that no special board will be constituted for the union territory. Therefore, the central board has given has been given the power to perform it uh, for the functions in the union territory as well. So, ये यहाँ इन boards के jurisdiction की बात की गई है. Further, as per section 10, every board is required to convey convey a meeting at least once in a three month. यानी कि तीन महीने में एक यानी कि प्रति वर्ष तीन कम से कम तीन बैठकें होनी चाहिए. ठीक है ताकि भविष्य में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनको नियंत्रित करने के लिए रणनीति अच्छे से बनाई जाए उसका अमलीकरण भी अच्छे से किया जा सके अब उसके पश्चात फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड की बात की गई है कि जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसके क्या फंक्शन होते हैं काफी सारे हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण को हम लोग यहाँ देखेंगे एलोबोरेट करने का प्रयास करेंगे सेक्शन सिक्सटीन लेज डाउन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऐसे इस कानून का सोलवा अनुच्छेद या सोलवी धारा जो केंद्रीय निगम है केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण निगम ठीक है उनका यहां एक प्रकार से फंक्शन तय करता है द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रिवेंट कंट्रोल और एबेट एयर पोल्यूशन प्राथमिक इसका उद्देश्य जो हमने देखा था तीन: उद्देश्यूशन अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल बोर्ड द फॉलोइंग फंक्शन एज वेल जिनमें सबसे प्रथम एक कहता है एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वायु प्रदूषण संबंधी कोई भी मामला हो तो उसमें केंद्र सरकार को सलाह देना यह एक इस बोर्ड का कार्य है दूसरा डिवाइज ए नेशन वाइड प्लान टू कॉम्बेट एयर पोल्यूशन यस पूरा राष्ट्र जो है एक इकाई के एक रूप में देखना है इस बोर्ड को और एक ऐसा प्लान एक ऐसी योजना बनानी है कि पूरे राष्ट्र में से वायु प्रदूषण को निकाला जा सके नहीं के कुछ कुछ जो है प्रदेशों में से तीसरे फंक्शन uh, में लिखा है कि एक्ट एज अ कॉर्डिनेटर बिटवीन द स्टेट बोर्ड एंड रिसोर्स डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड ऑल्सो प्रोवाइड दम टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस ये तो यहाँ जो स्टेट बोर्ड है उनके लिए भी एक प्रकार से कोर्डिनेटर के रूप में काम करने वाला यह सेंट्रल बोर्ड है या उसे करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल बोर्ड अपडेट रह सकें और उनका कार्य जो है वो भी अच्छा हो सके अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड तो उनको भी जो है स्टेट बोर्ड को आप कह सकते हो कि एडवाइस देनी है सलाह देनी है तो ये भी एक इनके कार्य का भाग है फंक्शन डी टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू पर्सन एंगेज इन प्रोग्राम्स फॉर कॉम्बेटिंग एयर पोल्यूशन यस जो व्यक्ति वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जुड़े हुए हैं उसमें लगे हुए हैं उन्हें एक अच्छी तालीम देना ये भी इस बोर्ड के कार्य का भाग है फिर ऑब्जेक्टिव e data to devise plan एंड strategies टू prevent air pollution and also to provide standards for the quality of air. Yes, तो so यहाँ collect and analyze data. ठीक है जो आज हम लोग देख रहे हैं जो वायु प्रदूषण के जो आंकड़े होते हैं जैसे काफी अगर न्यूज की बात करें तो दिल्ली के जो वायु प्रदूषण के आंकड़े हैं दिल्ली के वो अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं ठीक है तो यहाँ यह सारी चीजें जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कौन सी क्वालिटी अच्छी कहलाएगी कौन सी कहलाएगी कौन सी माइल्ड कहलाएगी ठीक है इन द डिग्री ऑफ पोल्यूशन तो वो सारी चीज़ें इस कानून के तहत बोर्ड्स जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनके द्वारा तय किया जाता है तो ये उनका एक मेजर फंक्शन है स्ट्रेट टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन एंड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर सच अदर फंक्शंस एज प्रोवाइडेड इन और अन्य सारे कार्य जो कि इस कानून के द्वारा

डिस्क्रिप्टिव प्लान देना ठीक है जो कि पूरे प्रदेश के लिए पूरे राज्य के लिए प्रदूषक नि, प्रदूषण निवारक हो और उसके एग्जीक्यूशन की भी ब्लूप्रिंट साथ में देना दूसरे फंक्शन में एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ कंसर्निंग एयर पॉल्यूशन यस जैसे सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं इन कॉन्टेक्स टू एयर पॉल्यूशन वैसे ही यहां स्टेट बोर्ड्स को स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देनी है इन केस ऑफ एयर पॉल्यूशन तीसरा फंक्शन में कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन यस तो यहाँ उनको कलेक्ट करना है एनालाइज करना है स्टेट संबंधी वहीं अगर सेंटर की बात करें तो दे आर एक्चुअली कलेक्टिंग पैन इंडिया ठीक है मगर यहाँ इनके लिए मात्रा और मात्रा इनका जो जुडिडिक्शन है जो कार्य है जो जिम्मेदारी है वो राज्य तक ही सीमित है अपने प्रदेश तक ही सीमित है फिर फंक्शन डी कहता है कोलाबरेट विद द सेंट्रल बोर्ड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पर्सनल एंगेज इन प्रोग्राम्स फॉर कॉम्बेटिंग एयर पोल्यूशन यस यहाँ इनको सेंट्रल जो बोर्ड्स है उनके जो कार्यक्रम होते हैं तालीम का कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं तो इस तालीम की पूरी योजना में जो है स्टेट बोर्ड्स को सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलाबरेट करना चाहिए और ट्रेनिंग का स्कोप जो है उसे ज़्यादा बड़ा करना चाहिए फिर फंक्शन ई टॉक्स अबाउट इंस्पेक्ट कंट्रोल इक्विपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड गिव ऑर्डर एगडिंग द सेम टू कम्बेट दर पोल्यूशन यस अपने राज्य में जहाँ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ आप कह सकते हो कि जो उद्योग है ज्यादा से ज़्यादा उद्योग है तो वहाँ उन उद्योगों के प्लांट्स की प्लांट्स को इन्वेस्टिगेट करना ठीक है टाइम टू टाइम क्या ये मेंटेन रह रहे हैं क्या दे आर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट ठीक है तो वो सारी चीज़ें करने का कार्य या वो सारी चीजें करने का जो जिम्मा है वो स्टेट बोर्ड्स को मिला हुआ है फिर एस्टेब्लिश और टू टेस्ट सैंपल्स कंसर्निंग यस तो यहां यह करना फिर अगर कुछ ऐसा मिलता है संदिग्ध मिलता है तो वो चीजें यहां लेबोरेटरी में पहुंचाना उसके लिए लेबोरेटरी का गठन करना ये भी स्टेट बोर्ड के कार्यों का भाग है एंड लास्टली परफॉर्म सच अदर फंक्शन टू कमेट एयर पोल्यूशन और अन्य ऐसा कोई भी कार्य जो कि इस कानून में जो है लिखा है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है वो इस बोर्ड के द्वारा इस राज्य निगम के द्वारा किया जाएगा तो दिस आर द लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड एज वेल एज स्टेट एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब पांचों बिंदु पर पावर्स ऑफ द बोर्ड की बात की गई है यानी कि उनकी शक्तियां वेरियस प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द पावर्स विद लाइव विद स्टेट बोर्ड्स राज्य के जो है निगम की बात की गई है जिनमें ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट बोर्ड कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया एनी डायरेक्शन रिगार्डिंग सच एरिया स्टेट गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट बोर्ड यस तो यहाँ देखिए स्टेट बोर्ड की कितनी जो है ताकत है वह राज्य सरकार के साथ इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट ए स्टेट बोर्ड कैन आ, आ, आप, आप कह सकते हो कि कैन अनाउंस कैन अनाउंस एनी ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एज एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया यानी कि वहाँ जो प्रदूषण का प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ही अधिक हो गया है हार्मफुल हो गया है ह्यूमन बींग्स के लिए और उस क्षेत्र में उस विशेष क्षेत्र में इन प्रदूषणों को कम करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे तो ऐसे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके स्टेट बोर्ड जो है वो ऐसा निर्णय ला सकते हैं फिर दूसरे जो फंक्शन में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हेव द पावर टू प्रोवाइड द एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट बॉडी घोषित राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा मगर इसके पीछे जो दिमाग है जो मैकेनिज्म है जो विजन है वो यहाँ स्टेट बोर्ड्स के होंगे ठीक है स्टेट बोर्ड विल इंटेंसिवली कंसल्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट विल कंसल्ट विध स्टेट बोर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सच सच टाइप ऑफ लिस्ट फिर दे हैव पावर टू अप्रूव एनी इंडस्ट्री दैट फॉलोज द प्रोसीजर इन द एक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इन एनी पोल्यूशन कंट्रोल एरिया यस तो उनको उद्योगों को भी जो है प्रकार से परवाना देने की शक्ति है उनमें अगर उन वे संतुष्ट हो कि भाई यस जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात की जा रही है वो बहुत ही पोल्यूशन फ्री है उसकी कोई एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स नहीं होगी इट विल नॉट हम जो है इट्स फ्लोरा इन फोना तो इन कारणों की जो है बदौलत वे ऐसे एरिया में इन इंडस्ट्रीज को जो इंडस्ट्रीज को एक प्रकार से स्थापना करने की परमिशन दे सकते हैं फिर डी कहता है दे होव पॉर्स टू अप्रोच द कोर्ट रिगार्डिंग एनी पर्सन वायोलेटिंग इन एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड सच पर्सन फ्रॉम फर्दर पोलिटिंग उनके लिए सीधा अदालत जाने की भी क्षमता है ठीक है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और निरंतर रूप से वायु प्रदूषण में जुड़ा है या वायु प्रदूषण कर रहा है तो ऐसे में दे कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट या एनी uh, uh, जो है कोर्ट ऑफ लॉ फिर पावर ई e कहता है इट कैन एम्पावर एनी पर्सन टू एंटर एनी प्रिमेज एंड इंस्पेक्ट रिगार्डिंग एनी ऑफ द अबाव मैं फंक्शन यस जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मशीनरीज है जो उनके जो पर्सनल्स है उनके पास यह सत्ता है कि वे किसी भी इंडस्ट्रियल का आ, की मुलाकात ले सकते हैं वहां चीजें देख सकते हैं वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉमोर नॉट ठीक है जो सरकार के द्वारा सूचनाएं दी जाती है जो प्रिस्क्रिप्शन है क्या उसी के संबंधी चीजें है या नहीं वो देखने का अधिकार उनको है या देखने की शक्ति उनको है एंड एफ सहीज इट ऑल्सो हेज द पॉवर टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम सीमाइसिसम फॉर द एनाज बाई द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द एक्ट तो ये बात भी है कि एक बार सर्च किया फिर चीजें सीजर्ड की और उन सीजर्ड चीजों को समझने के लिए जानने के लिए लेबोरेटरी में पहुंचाने की भी शक्ति उनको है भेजने की भी शक्ति उनको है अब पावर्स खत्म हुए अब यहां से दंड की बात है कि अगर वायोलेट हुए इस अधिनियम का कानून किसी भी व्यक्ति से तो क्या जो है प्रावधान है सजा के तो एनी पर्सन हु फेल्स टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड रिगार्डिंग द पोल्यूशन कंट्रोल एनियाज फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन सेवन यस धारा इस कानून की धारा सैतीस बात करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण निगम के द्वारा दी गई दिए गए दिशा निर्देशों को परिपूर्ण परीकु, करने में अगर असक्षम है असफल है तो उन्हें सजा मिल सकती है धारा सैंतीस के तहत फॉर द वायोलेशन ऑफ इंप्रिजनमेंट इज इंप्रिजनमेंट ऑफ ए मिनिमम एटीन मंथ एंड सिक्सो फाइन अमाउंटिंग टू फाइव थाउजेंड फॉर एवरी डे वेन द कॉन्ट्रावेंशन विद द डायरेक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड कंटिन्यूज ये पहली बार अगर ऑफेंस हुआ है तो यहाँ पाँच हजार तक का जुर्माना लग सकता है साथ ही में यहाँ सजा भी हो सकती है कारावास भी हो सकता है अट्ठारह महीने तक की जेल है ठीक है मिनिमम एंड मैक्सिमम सिक्स ईयर्स तक और यहाँ जो पेनल्टी है वो भी पाँच हजार प्रतिदिन लग सकती है इनकेस ऑफ रिपीटेटिव ऑफेंस रिपीटिव वायोलेशन ठीक है अगर ये प्रक्रिया दोहराई जाती है अगर ये गुना दोहराए जाते हैं किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा तो फिर प्रतिदिन पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना उनको लग सकता है ठीक है तो ये यहाँ कुछ पेनल्टीज की बात की गई है अब बार ऑफ जुडिस्टिक देखें एज पर द सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफ द एक्ट ए सिविल कोर्ट हैज बिन बार्ड टू एक्सरसाइज जुडिशक्शन और एनीट यस ये एक्सक्लूसिव पावर है ये होना चाहिए क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम जुडिशियरी है जैसे हमें मालूम है कि ऑफ केसेस दब गई है ठीक है, इट इज नंबर ऑफ मामले नहीं ले सकती जिन मामलों के ऊपर फैसला वाटर ट्रिब्यूनल के द्वारा ही या एयर ट्रिब्यूनल के द्वारा ही किया जा सकता है ठीक है सिविल कोर्ट के पास यानी कि मेन स्ट्रीम जुडिशियरी के पास कोई ऐसी सत्ता नहीं है अब आठवा बिंदु पर अपील की बात की गई है जो यहां हमने अपीलिटी देखी उसका जिक्र देखा

एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो यहाँ एक अपेलेट ऑथोरिटी इसी कानून के इकतीसवें जो है सेक्शन स्थापित की जाएगी तो ऐसा मुद्दे सारे वहाँ उनको जो है फॉरवर्ड किए जाएंगे आफ्टर दिसन अपील टू द एनजीट हिस्सेंस अगर आधर पार्टी को यहां असंतुष्टि हुई है ठीक है एदर, ठीक है और अगर यहाँ भी कुछ अनसेटिस्फेक्शन है किसी भी पक्ष को तो वे सुप्रीम कोर्ट का जो कि एपैक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है दे कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट मगर डायरेक्टली दे कैन नॉट ठीक है डायरेक्टली मेन स्ट्रीम भी किसी भी आ, जो है मुद्दे को अपने ऑन बोर्ड नहीं कर सकती तो ये बात रही अपील की और उसके पहले बार ऑफ की अब अमेंडमेंट की बात है यहाँ प्रमुख प्रावधान जो है वो खत्म हुआ अमेंडमेंट मात्र एक ही किया गया है और वो भी साल उन्नीस में जिनके तले तीन बिंदु देखने हैं क्या क्या फेरफार हुए तो सबसे प्रथम एनहांस्ड पावर ऑफ बोर्ड्स एंड प्रोवाइडेड स्ट्रिक्टर पेनल्टी फॉर वायोलेशन यस यहाँ जो निगम था उनकी सत्ताओं में इजाफा हुआ इस जो है संशोधन से इस अमेन्डमेंट से एवं जो पेनल्टीज थे जो दंड की जो धाराएं थी जो प्रावधान थे उनको भी और सख्त बनाया गया और कठोर बनाया गया ताकि कम से कम लोग यह गुना करें फिर आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट बीकेम एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ इंडिया एंड नॉट ओनली टू द इंडस्ट्रीज इज इन्स्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट ये पहले क्या था बिफोर द अमेंडमेंट दर वॉज अ शेड्यूल शेड्यूलम विद दिस एक्ट और उसी शेड्यूल के ऊपर यह कानून लागू होता था उस शेड्यूल में ऐसे जो है ऐसी जगहों के ऐसे प्रदेशों के नाम थे ऐसे स्थानों के नाम थे जहाँ पॉल्यूशन अधिक मात्रा में है यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है मगर यहाँ अब

रोकने का कार्य कर सके तो इसलिए उनको कुछ वित्तीय सत्ताएं भी दी उनको लोन देने लेने का भी जो है एक, एक प्रकार से परमिशन मिली एवं उनको डिबेंचर्स इश्यू करने की भी यानी कि सिक्योरिटीज़ इश्यू इस करने की भी इजाज़त मिली इस तरीके से वह फंड इकट्ठा कर सकते हैं और वो फंड को पॉल्यूशन कंट्रोल में पॉल्यूशन प्रिवेंशन में उपयोग कर सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज द वन अमेंडमेंट विच मेड द एक्ट एक्चुअली पावरफुल अब क्रिटिसिज्म एंड इंपोर्टेंस की बात है दोनों बिंदु देखने हैं एक पक्ष है दूसरा प्रतिपक्ष है सबसे प्रथम प्रतिपक्ष से शुरू करेंगे क्रिटिसिज्म जिनके तहत पहला बिंदु कहता है एक्ट फेल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर एंड इंडिया बिकेम होम टू सिटीज दैट आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन यस ये बात वास्तविक है ठीक है यह ऐसा कानून बहुत ही अच्छा अच्छे प्रावधानों के साथ अच्छी मैकेनिज्म के साथ होने के बावजूद भी भारत के कुछ शहर है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित है जिनमें एक है दिल्ली एक है मुंबई एक है कोलकाता ठीक है तो यहाँ ये यह इस कानून की पहली आलोचना है कि यहाँ कहीं पर यह कानून विफल रहा दूसरा नीड टू अमेंड एक्ट टू नेसेसिटेट कंटेम्प्रेरी नीड यह समकालीन मांगों को परिपूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि इस कानून में संशोधन किया जाए एयर कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड शुड बी वेस्टेड विथ मोर पावर यस इस निगम को अधिक ताकतवर बनाना चाहिए उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने चाहिए और साथ ही में फिनेंशियल पावर्स भी उनके बढ़ने चाहिए एंड लास्टली एयर पोल्यूशन इज हेल्थ कंसर्न टू एक्ट नोवर प्रोवाइड्स मैंडेट कंसर्निंग हेल्थ ऑफ द सिटीजन यस एयर पोल्यूशन जो है वो अपने आप में मानो स्वास्थ्य के लिए भी एक खतरा है तो यहाँ कुछ यहाँ विद्वान टीकाकरण द्वारा कुछ कहा गया है कि भाई ये तो हेल्थ इंप्लीकेशन हो रहे हैं एयर पोल्यूशन के और पूरे एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में हेल्थ रिलेटेड हेल्थ कंसर्न की कोई बात ही नहीं है तो ये एक इसकी आखिरी आलोचना है ऑन द कॉन्टररी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें कुछ बिंदुओं के तले तीन बिंदु है कुल इनके तले हमें इसका इंपोर्टेंस देखना है सबसे प्रथम एक्ट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया टू टैकल एयर पोल्यूशन यस भारतीय सरकार के द्वारा यह प्रथम कदम था पूरे इतिहास में कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लाया लाया गया हो तो ये एक लेजिस्लेटिव जो है एक प्रकार से बहुत ही अच्छा यहाँ भारतीय सरकार का या पार्लियामेंट का कदम था दूसरे बिंदु पर बताया गया है कि एक्ट प्रोवाइडेड सेटिंग अप ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल यस तो यह मशीनरी बोर्ड्स फिर जैसे मैंने देखा कि बोर्ड्स अपने अपने न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं मगर वे कौशी जुडिशियल भी है वे कुछ मात्रा में न्यायिक शक्तियाँ भी रखते हैं तो ऐसे शक्तिशाली निगमों का केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर निर्माण अपने आप में इस कानून की अचीवमेंट है इस कानून की उपलब्धि है एंड लास्टली एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज फॉर इंडस्ट्री एंड पर्सन वायोलेटिंग फॉर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और यहाँ पेनल्टीज की भी बात की गई है इनफैक्ट दे आर जो है स्ट्रॉन्गर मगर फिर भी उन्हें और स्ट्रिक्टर बनाना है ताकि कम से कम वायोलेशंस को कम किया जा सके एंड इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन की मात्राओं को कम किया जा सके एयर को स्वच्छ किया जा सके तो विथ ऑल दिस गुड ऑब्जेक्टिव एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इनफैक्ट ओवरऑल देखें अगर इन दोनों चीजों का भी सर निकाले तो यह पलड़ा जो है वो भारी है ठीक है क्योंकि अपने आप में यह कानून इम्पोर्टेंट है और अगर यह कानून न होता तो मालूम नहीं कि आज प्रदूषण के स्तर जो है वो कहाँ होते हैं तो यही पूरी बातें थी आज के इस कानून की जिसके पहले हमने यह पूरा का पूरा एयर पोल्यूशन यानी कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 देखा आई होप यू यूड द लेक्चर साथ ही जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया आप ग्रोथ माउंट एजुकेशन के साथ आज ही जुड़े और घर बैठे अपनी तैयारी कीजिए और जो है करंट अफेयर्स है इंक्लूडिंग एडिटोरियल एनालिसिस साथ ही में अलग अलग जो ऐसी श्रृंखलाएँ है जो कि अपना अपने आपके जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में हमारी बहुत ही बड़ी योजना है जिसके तले एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी तैयारियाँ हम लोग यहाँ करेंगे सारा जी जो है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सारा सीसेक जो है वो भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा तो आज इतना ही आई विश यू ऑल द बेस्ट हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त देखते रहिए ग्रोथ यू पी एस सी हिंद